रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र की साबत वाली गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले हैं। ईंट पत्थर चलने लगे और झगड़े में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। और वहीं घायलों में बताया जा रहा है कि एक की हालत गंभीर बनी हुई है और जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही सभी घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा थाना क्षेत्र की साबत वाली ग्राम निवासी रविंद्र कुमार के पिता लाल सिंह की साल 2012 में मौत हो गई थी। लाल सिंह ने साल 1993 में अपने 2 बीघा जमीन मुजफ्फरनगर निवासी रूपचंद्र को 15,000 रुपए में ठेके पर दी थी, जिसके करीब 10 साल बाद रूपचंद्र का देहांत हो गया था। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। से हूँ रीना जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, हमारी जमीन है तो हमने इसमें दीवार कर रखी है, 1 महीना हो गए, पुलिस में भी हमने वो दी, कोई सुनवाई नहीं। तो सुबह वे उस दीवार को तोड़ने आए, प्रमोद कुमार आए तो उसने गाली गलौज देनी शुरू कर दी। हमारे घर पर कोई जेंट्स नहीं था, सारी महिला थी, तो बस उन्होंने इन पर गाली गलौज करी, मार पिटाई शुरू कर दी। मेरी भाभी थी जो प्रेगनेंट है, उसने खिंचो फिरे नाली में, और मम्मी मेरी वेरी सी के थ्रापर कर दी, इनका सर फूट गया, और मेरे भाई भी, मेरे भाई का बहुत चोट आ रही, और बाकी हम हमारा घूम चोट लग रही सबका, 5-6 जनों का। और इसमें उन्होंने छत से पत्थर बरसाए, उसकी ओम प्रकाश के बच्चों ने भी, और उसने प्रमोद के बच्चों ने भी, लड़कियों ने भी और उनकी औरतों ने भी। पोस्ट झगड़ा सचिन भाई, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि रास्ते में विवाद होने के कारण दोनों पक्षों में मारपीट ज़्यादा है, और ये हमारी गुड़िया से की जो घटना है, ये अपने उधर गाय को लेकर जा रहे थे, उन्होंने पथराव किया टंडों से और इसके ईंट में मारे, और क्या हो गया फिर इसे ज़्यादा चोट आने के कारण हम इधर से गए, तो फिर उन्होंने उसको दोबारा फिर हमला किया, उनकी जो औरत है उन्होंने औरतें अपने सामने कर दिया, अपने आप पिछड़ जाते हैं, ऐसे करते हैं। कल करीब 15 दिन से मामला हो गया, हमने थाने में 2-3 बार रिपोर्ट भी कराई, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक, और आज फिर में बार बार लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की की इतनी चोट है अभी भी सर में, यहाँ के जो अस्पताल है उन्होंने भी मेडिकल ये बोल दिया क्या नाम कि हाथ से चोट मार रखी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक भी, और ये बोले कि घर ले जाओ।